वीकेंड को अगर मजेदार बनाना है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा कानपुर, क्योंकि वहां पर रहती हैं भाभी जी। जी हाँ, भाभी जी घर पर हैं और वहां पर तिवारी जी सपने में खोए हुए हैं। अब तिवारी जी सपना देख रहे हैं तो जरूर सपने में अनीता भाभी के साथ ही कुछ कर रहे होंगे, मतलब कि कोई नया खेल खेल रहे होंगे। वैसे अभी अभी होली गई है तो जरूर भाभी जी को रंगने का ही सपना देख रहे होंगे। चलिए हम भी जाते हैं उनके सपने में, मतलब कि कानपुर, और देखते हैं कि उनका सपना है क्या। खुश नसीब है ना तिवारी जी, जैसा जैसा वो चाहते हैं उनके सामने ठीक वैसा ही होता जाता है। अनीता भाभी को देखिए, वो हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं, तो भाई अनीता भाभी उन्हें नजर भी आ जाती हैं। आज तो अनीता भाभी का भी अंदाज कुछ जुदा जुदा सा लग रहा है। वो इतने प्यार से तिवारी जी को पुकार रही हो तो भला तिवारी जी के दिल में गुदगुदी क्यों ना हो। भाई भाभी जी हैं तो भाभी जी की अदाएं तो दिखनी चाहिए, ऐसे जितना जो ये देखना चाहते अपने सपनों में वैसे ही भाभी जी दिखेंगी इनको उतरते हुए, वैसे ही सपनों की परी जैसी। आइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? और उस पर जब मौका होली का हो तो भाई तिवारी जी का दिल तो जरूर मचलेगा ना। ये देखिए हाथों में रंग लगाकर वो आ रही हैं भाभी जी के करीब। ऐसी चतुर ब्रज नार ब्रिज में है रही होरी, ऐसी चतुर ब्रिज ना भाभी जी करत सिकात तिवारी जी मोरी बैया मरोड़ी, ऐसी चतुर ब्रिज नार। गाने नहीं गाती, गाने गाने का काम इनका है, मेरा इतराने का काम है तो मैं वही करूंगी। तिवारी जी को लगता है कि रंग लगाने के बहाने वो भाभी जी को कम से कम छू तो सकेंगे। अब अनीता भाभी भी जानती है कि वो नटखट हैं, तभी तो उनके साथ वो आज थोड़ी सी शरारत कर रही है। नहीं, नहीं तिवारी जी। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसा तो जरूर होगा जिससे तिवारी जी का भ्रम टूटेगा, यानी कि सपना टूटेगा। होली को लेकर जो है भाभी जी को रंग लगाने के लिए आया है ये, लेकिन ये एक तरह से सपनों में खोता है, आपको पता ही है, क्योंकि हकीकत में तो भाभी जी इसको घास नहीं डालती। तो वो जो है वो बस धीरे धीरे अपने सपनों में ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। तो ये एक तरह से मोहब्बत का इजहार करने जाया आया है, आया हकीकत में है, लेकिन धीरे धीरे सपने में जाता है और उसके बाद सारा रायता फैल जाता है। अरे बहुत ही रोमांटिक सीक्वेंस चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने में। पहली बार ऐसा काम कर रही हूँ, जिस तरीके के सीन्स हो रहे हैं ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया है, ऑफकोर्स टीवी शोज़ में, और ऐसे हंसी वाले ड्रीम सीक्वेंस, मतलब रोमांटिक रोमांस करते करते सडनली आप आउट ऑफ रोमांस हो जाते हो और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस चल रहा है। जी हाँ, इस रंग में भंग डालने के लिए विभूति नारायण मिश्रा भी तो आएंगे। आखिर वो थोड़ी चाहेंगे कि तिवारी जी उनकी पत्नी के साथ होली का मजा लें। हाँ, वो अलग बात है कि विभूति नारायण जरूर अंगूरी भाभी के साथ होली खेलना चाहेंगे, लेकिन भाई अपनी पत्नी के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।